नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, रश्मि खजाना में। आज मथुरा का पेड़ा बनाने जा रही हूँ। तो सब लोग पेड़ा तो ये मथुरा का विश्व प्रसिद्ध है और सब लोग बनाते हैं, अपने अपने तरीके से बनाते हैं और मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने 300 ग्राम ये खोया लिया है, इसको भून लेंगे और भून के निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने जैसे 300 ग्राम ये है तो करीब 150 ग्राम उसका आधा मैंने पनीर लिया है और पनीर को इसी तरह से पूरा मैश कर लिया। पनीर को मैंने पूरा कद्दूकस करके अच्छी तरह से मैश कर लिया जिससे उसके दाने थोड़े मर जाएं। और फिर इसको पहले भूनने के बाद निकाल लेंगे और उसके बाद ये पनीर को डाल के भूनेंगे। और कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया पेड़ा बन के तैयार होगा और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए। चीनी चार चीज़ चाहिए, शुगर चाहिए, पनीर चाहिए, खोया चाहिए और इलायची पाउडर, बस और कुछ नहीं। आपको और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही बढ़िया बनता है। उसको खूब थोड़ा ब्राउनिश भून लें खोए को और आप अभी मेरा मेथड फॉलो कीजिए, देखिए। पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को। ये देखिए मेरे खोए बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है और इसने अपना पैन छोड़ दिया है। ये देखिए खूब अच्छी तरह से मेरा खोया भुन गया है, थोड़ा हल्का गुलाबी हो गया। इसमें मैंने एक चुटकी केसर डाला है, उससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा हो जाता, कलर अच्छा आ जाता है। उसमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं। और ये मेरा खोया भुन गया। अब इसी पैन में मैं ये पनीर जो मैंने मैश करके रखा है इसको भूनूंगी। ये देखिए अब पनीर को भूनेंगे, उसका पानी जो रहता है पनीर में, थोड़ा मॉइस्चर जो रहता है वो सूख जाएगा। खूब अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, तब इसके बाद जो मैंने खोया भून के रखा है उसको इसमें मिक्स कर देंगे। और उसके बाद इसमें चीनी डाल के और खूब अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। फिर कढ़ाई छोड़ देगा, गैस बंद कर देंगे और मिक्सचर को ठंडा होने दे देंगे। जब ऐसे टेम्परेचर हो जाए कि आप छू सकें, कि टचेबल टेम्परेचर पे, आप उसको फिर गोल गोल बनाइए, पेड़ का शेप दीजिए, चाहे मोदक का शेप दीजिए। आजकल का गणेश चतुर्थी चल रही है तो आप छोटा सा मोदक का शेप भी दे सकते हैं। किसी भी चीज़ का शेप चाहे तो पेड़ा बना लीजिए, चाहे मोदक बना लीजिए और बस इलायची पाउडर डालिए बस। और चीनी तो मैं पहले ही डाल दूँगी इसको भूनने के बाद, तो फिर अपने आप कैरामलाइज्ड हो जाएगा और दिस विल बी टर्न वेरी वेरी टेस्टी पेड़ा। ये देखिए अच्छी तरह से भुन गया है ये पनीर। अब ये जो खोया है इसको भी इसी में डाल देंगे और खोया जो मैंने भून के रखा सब एक साथ करेंगे और उसमें एक कप दूध डाल देंगे। दूध डाल के और चीनी डाल के इसको पकाएंगे। बस आधा कप दूध डालेंगे बस। ये मैंने डाल दिया है, अब इसी के साथ सबको पकाएंगे और चीनी डालेंगे। और चीनी बहुत मीठा नहीं बनाएंगे, छोटी कटोरी से आधा कटोरी चीनी बस, उतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। हल्का मीठा ही मथुरा का पेड़ा होता है और वो अच्छा भी लगता है खाने में। और इसके बाद लास्ट में मैं इलायची पाउडर डाल दूँगी बस, और कुछ नहीं डालूँगी। अब इसको इसी तरह से ब्राउन कर हो जाएगा क्योंकि चीनी पड़ गई है तो कैरामलाइज्ड होगा। और खूब अच्छी तरह इसको सब मिक्स कर लेंगे और क्या आज ठंडा होने देंगे। जब टचेबल हो जाए, छूने लायक हो जाए, तब आप उसका पेड़ा बनाइए और उसको आप आराम से 10 दिन तक स्टोर करके खा सकती हैं। तो इसी तरह से भुनना है। ये देखिए मेरा मिक्सर पूरा पेड़े का तैयार हो गया। अब मैंने गैस बंद कर दी है, इसमें पनीर, केसर और खोया, चीनी, दूध सब मिल गया है अच्छी तरह से। अब लास्ट में मैं इलायची पाउडर अभी डाल दूंगी, ये ठंडा हो जाए तब इलायची पाउडर डाल दूंगी और गोल गोल करके थोड़ा सा ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। अभी बहुत गर्म है, इसको हम छू नहीं सकते तो इसलिए पेड़ा बनाने में डिफ़िकल्टी है। और थोड़ा सा हो जाए तो फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर तो इसका पेड़ा बनाएंगे। ये लाजवाब डेजर्ट है, अच्छी स्वीट है, इंडियन फेमस स्वीट है। और मथुरा में कई तरह के पेड़े मिलते हैं, उसमें एक तरीका ये भी है। एक होता है प्योर खोए से बनता है, मैंने पनीर और खोए के साथ बनाया है। और कई तरह के पेड़े वहाँ पे मिलते हैं, एक बेसन के साथ मिला के बनाते हैं, तो कई तरह के मिलते हैं। तो ये मेथड
आप देखिए, बनाइए, खाइए और खिलाइए, और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। देखिए मेरा दूध ठंडा हो गया, अब इसको मैं हाथ में ज़रा सा घी लगा के छोटे छोटे पेड़े बना के रख दूँगी। बहुत ही टेस्टी लाजवाब पेड़ा बनेगा। ये देखिए मेरे मथुरा के पेड़े बन के तैयार हैं, और इसका प्रोसेस क्या है आगे देखिए। इसी मिक्सचर का मैंने 5-6 ये मोदक बनाया है, खोए का मोदक, और इसको मैं भगवान को भोग लगाऊंगी, और आगे आप प्रोसेस देखिए इसको बनाने का। ये देखिए मेरे पेड़े बन के तैयार हैं, कितने बढ़िया लाजवाब मावा और पनीर के साथ बनाए गए हैं। और ये मथुरा के ही पेड़े हैं, लेकिन ये मथुरा के में कई तरह के पेड़े बनते हैं, उसमें से एक प्रकार ये भी है, और ये बहुत ही अच्छे बने हैं। कैसे बने हैं आप इसको कमेंट करके बना बताइए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।